पीर और जुमेरात को खुसूसियत के साथ रोजा रखना, इसकी हदीस में तरगीब वारिद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात के दिन आमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं। फअहिब्बु अन युरदा अमली व अना सौइम, मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल जब अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोजे से हूँ। और इस दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए भी इस दिन में रोजा रखा है। इसमें बहुत सारी हिकमतें थी, जैसे आप रबीउल अव्वल पे जो मेरा बयान है उसमें मैंने ये वजाहत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के दिन रोजा रखकर यह बता दिया कि मेरी विलादत के दिन को ईद का दिन नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि रोजा और ईद जमा नहीं होते। तो ये हिकमत भी मुमकिन है इसमें हो। लेकिन बहरहाल चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमेरात के रोजे का एहतमाम फरमाया है, इसलिए हमारे लिए भी सुन्नत है कि पीर और जुमेरात का रोजा रखें। इसकी फजीलत दूसरे दिनों की निस्बत ज्यादा है।